फ्रेंड्स, ये हमारे पास सुकेम कंपनी का शार्क 850 मॉडल। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेंस की आउटपुट तो ये दे रहा है, लेकिन जैसे ही मेंस चली जा रही है, लाइट चली जा रही है, उसके बाद ये आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसको हमने खोल करके देखा, इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू चेक की, बिल्कुल वैल्यू प्रॉपर आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। फ्यूज वगैरह, डीसी फ्यूज वगैरह बिल्कुल ओके है, ये सब कुछ यहाँ पर ओके है, हमने इसका चेक किया। तो ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों आती है कि मेंस की आउटपुट तो ये दे रहा है, लेकिन इन्वर्टर की आउटपुट ये नहीं दे रहा, यानी कि लाइट जाने पर ये करंट नहीं बना रहा, आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि इसकी जो रिले है, ये रिले ख़राब हो सकती है, या फिर इसका ये मॉस्फेट जो है ये ख़राब हो सकती है। इसकी वैल्यू प्रॉपर है, अगर ये ख़राब हो गया तो ये जो है हमिंग करेगा, बहुत भयंकर सी आवाज़ करेगा। यहाँ पर ही पहले ही इसके अंदर जुगाड़ किया गया है, ये वाला पॉइंट इसका जल गया है, तो ये जो है नीचे से लगा दिया गया। फिलहाल इसको हमने खोल करके देखा, तो इसको हम खोल करके देखते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये पहले से ही ये वाला पॉइंट जल गया है, तो यहाँ से ये कट करने के बाद और इसको ये डायरेक्ट लगा दिया है पहले ही किसी ने, ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से इसको हटाएंगे, ये काफ़ी दिक्कत से हटा था, फिलहाल मैंने दिखाने के लिए लगा दिया। तो जब हमने इसको हटा करके देखा, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन वगैरह काफ़ी है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट है, ये कार्ड हमने बाहर को निकाल दिया, पीछे से कार्ड बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये इन तीन पॉइंट्स में लास्ट के जो दो पॉइंट हैं, पहला और लास्ट वाला, ये दोनों यहाँ से शॉर्ट हुए हैं, और जो कि यहाँ पर लगे थे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कार्बन आ रखा है, यानी कि अंदर से शॉर्ट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ से कट करेंगे, इसको कट करके लगाएंगे, इस वाले को भी कट करके लगाएंगे, और बाद में बार बार दिक्कत ना आए, तो हम इसके तीनों ही पॉइंट को कट करने के बाद यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो फटाफट से हम ये काम कर लेते हैं। तो ये कनेक्टर में से तीनों ही पॉइंट कट करने के बाद यहाँ पर हमने सीरियल वायर लगा दिए, जिस तरह से लगे हुए थे, कुछ इस तरह से अच्छे तरह से लगा दिए, यहाँ पर आपस में ये शॉर्ट ना हो पाए, इसका ध्यान रखेंगे। और अब हम इसको दोबारा से रिप्लेस करेंगे, यानी कि फिट करेंगे। ये वाला कनेक्टर यहाँ पर लगेगा, इसका एक पॉइंट शॉर्ट है जो कि यहाँ पर नीचे से लगा हुआ है। उसके बाद ये पंखे वाला कनेक्टर यहाँ पर लगेगा, इस पर लिखा भी होगा फ़ैन, यहाँ पर लिखा है फ़ैन, ये वाला हमारा इस पर लगेगा। उसके बाद हमारा ये स्विच वाला, ये वाला यहाँ पर लगेगा, और हमारा ये डिस्प्ले वाला कनेक्टर वो यहाँ पर लगेगा, आउटपुट वाला यहाँ पर आ जाएगा। इसको अच्छे से लगा देंगे, एंड फ्यूज वगैरह हमने पहले ही दोबारा चेक करने के बाद लगा दिए थे। और यहाँ पर ये दो स्क्रू लगा देते हैं, फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं और बैटरी पे कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा ट्राईपोर्ट रह गया है घर पर, तो हम ऐसे ही सेटिंग कर लेते हैं, ऐसे ही देखें, थोड़ा सा मैनेज करें आज। और काफ़ी सारे भी हमने ग्लव्स पहने, इतना मेहनत करनी पड़ रही, ग्लव्स हमारे न्यू ग्लव्स हमने भी लगाए, ग्लव्स ख़राब हो गए, तो दूसरे ग्लव्स भी हमारे काले पीले हो गए, तो ये हमने लगा दिया आज। यहाँ से हमने काम कर देते हैं, देखते हैं कैसे बैटरी लो दिखा रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में, लेकिन हमें जो है इसको बंद करना है, तब इसको लगाना होता है। फिलहाल हम यहाँ पर वाशर वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, तो इसको जब हम लगाते हैं कभी कभी यहाँ पर करंट मार देता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर से भी ब्रेक लगा देते हैं, ऑन करके देखते हैं क्या होता है, आप वो तो लगता है। ओहो चला, हमने ऊपर से टच करके देखा, पहले तो नहीं चला था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑन किया है, वही एक बार में ही टन हो गया। एम्पियर चेक कर लेते हैं, कितने एम्पियर हो रहा है, चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ट्राईपोड हमारा टूट गया है और हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। फिलहाल एक बार हम मेन को बंद करते हैं। पहले क्या हो रहा था, मैं इसको थोड़ा सा हिला रखी, तो बड़ी समस्या है, थोड़ा सा सपोर्ट दबा करके कंप्लीट लगा दिया हमने। अब हमें मेंस
अभी इन्वर्टर पर है, एक बार हमने मेन ऑन करके बंद कर दिया था, अब दोबारा से ऑन कर दिया और यहाँ पर ऑन हो चुका, चार्जिंग आ चुकी है। 11.7-11.12 घंटे चार्जिंग कर रहा, तो चार्जिंग ज़्यादा होती है तो ऐसे भी महसूस होती है तार को पकड़ने से, कभी होती है कभी नहीं होती है, फिलहाल हल्की हल्की सी महसूस हो रही है, नॉर्मली नहीं हो पाती हर किसी को, कभी कभी हो जाती है। तो फिलहाल ये हमारा इन्वर्टर इस तरह से काम कर रहा है। पहले क्या था, मेन सप्लाई, यानी कि मेन सप्लाई जाते ही ये जो था आउटपुट नहीं दे रहा था, तो कुछ इस तरह से भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब हम इसको कवर कर देते, तो कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होती हैं और इस तरह से आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।